हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 7 मार्च 2024 को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है और सामाजिक विज्ञान के पेपर में मेरे प्यारे बच्चों 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, जो कि होंगे MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्न। और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना होगा, जिसका नमूना आप यहां पर देख सकते हो। प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मान लीजिए पहले प्रश्न का उत्तर ए सही है तो ए वाला गोला काला किया जाएगा, बी सही है, सी सही है या फिर डी, जो भी सही है आप उसी के अनुसार गोला काला करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप OMR शीट को भरिएगा, इसमें कहीं पर काट पीट मत करिएगा, ओवर राइटिंग मत करिएगा। गोला भरते समय तो आपको ओवर राइटिंग करना ही पड़ेगा, इस तरह से करना ही पड़ेगा, लेकिन और जो चीज़ें भरेंगे आप उनको आपको ओवर राइटिंग या व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है, ना ही इरेजर का प्रयोग करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये जो प्रश्न है बहुविकल्पी 20 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का है, यानी 20 प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, एक नंबर का होगा प्रत्येक प्रश्न। यदि आप इन 20 प्रश्नों का सही उत्तर, सही तरीके से उत्तर भर देते हैं OMR शीट में, तो आपके 20 नंबर पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। इन सभी प्रश्नों के साथ साथ मैं आपको और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सामाजिक विज्ञान के पेपर में खंड आ के अंतर्गत पूछे जाएंगे 20 बहुविकल्पी प्रश्न। यहां पर निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहां पर विकल्प दिए गए हैं और प्रश्न पढ़कर आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। पहला है विकल्प इटली, दूसरा विकल्प है जर्मनी, तीसरा विकल्प है फ्रांस, चौथा है इंग्लैंड। तो आप सभी जानते हैं नेपोलियन का संबंध किस देश से था, फ्रांस देश से था। यानी नेपोलियन बोनापार्ट किस देश से संबंधित था, इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस देश से। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 है यहाँ पर, वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया, वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया। दिए गए विकल्पों में से क्या हो जाएगा सही उत्तर। पहला है विकल्प बिल गेट्स, दूसरा विकल्प है हेनरी फोर्ड, तीसरा विकल्प है एंड्रयू कार्नेगी, चौथा है जेबी फुलटन। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हेनरी फोर्ड ने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निश्चय किया। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पर, देश की पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित की गई। यहाँ पर पहला है विकल्प 1853 में कानपुर में, दूसरा है विकल्प 1854 में मुंबई में, चौथा विकल्प यहाँ पर है 1856 में अहमदाबाद में, और तीसरा यहाँ पर विकल्प है 1855 में कलकत्ता में। तो देश की पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित की गई, 1855 ईस्वी में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। कब मेरे प्यारे बच्चों, 1855 ईस्वी में, और कहाँ, कलकत्ता में। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1929 ईस्वी की महामंदी की नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी विशेषता है जो 1930 के पहले यानी 1929 में जो महामंदी आई थी उसकी विशेषता नहीं है। पहला विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों, कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट। दूसरा विकल्प है काफ़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए थे।
तीसरा विकल्प है आय और व्यापार में काफी गिरावट आई। चौथा है विकल्प नए नए उद्योग स्थापित होने लगे थे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का प्रकोप हुआ, यानी आर्थिक महामंदी जब 1929 में आई, उस समय कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट हो गई। यह सत्य है, यानी यह विशेषता है महामंदी की। दूसरा, काफ़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए, ये भी सही है। और तीसरा, आय और व्यापार में काफ़ी गिरावट आई, यह विकल्प भी सही है। यानी यहाँ पर ये विशेषता नहीं है, कौन सी, नए नए उद्योग स्थापित होने लगे थे, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 1929 में जो महामंदी आई थी उसकी विशेषता ये नहीं है, नए नए उद्योग स्थापित होने लगे थे। प्रश्न संख्या 5 है, यहाँ पर विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई थी। पहला है विकल्प चीन, दूसरा विकल्प है भारत, तीसरा है विकल्प जर्मनी, चौथा है फ्रांस। तो विश्व में सबसे पहले मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित की गई, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चीन देश में। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ। विकल्प इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहला है विकल्प सन 1924 में, दूसरा विकल्प है सन 1922 में, तीसरा विकल्प है सन 1925 में, चौथा है विकल्प सन 1926 में। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ, मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड, जो कि गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। और इस कांड के बाद ही महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच। दूसरा विकल्प है व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, तीसरा है विकल्प व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य, चौथा विकल्प है केंद्र एवं राज्यों यानी इकाइयों के मध्य। तो संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन किसके मध्य होता है, केंद्र एवं राज्यों यानी इकाइयों के मध्य होता है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिखते जाना, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्नों में यदि आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो यदि आपकी राइटिंग अच्छी भी नहीं है तो भी आप अच्छे अंकों से पास हो सकते हैं या अच्छा स्कोर कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप प्रत्येक विषय में बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आपकी यदि राइटिंग अच्छी नहीं है तो, यदि अच्छी है तो भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इनसे भी स्कोर अच्छा बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या यहां पर 8 क्या है, निम्नलिखित में से किस में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। पहला है विकल्प लोकसभा में, दूसरा विकल्प है विधानसभाओं में, तीसरा विकल्प है पंचायती राज संस्थाओं में, चौथा है विकल्प राज्यसभा में। तो लोकसभा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि किस में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है, उत्तर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में, यानी पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप क्या है, लोकतंत्र, दूसरा है तानाशाह, तीसरा है राजतंत्र, चौथा है कोई नहीं। तो समकालीन विश्व में शासन का प्रमुख रूप क्या हो गया है, लोकतंत्रात्मक हो गया है, पहला ही विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 10 है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अलग दिखाई देने वाली संस्था है, कौन सी, हित समूह, राजनीतिक दल, दबाव समूह या इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अलग दिखाई देने वाली संस्था क्या कहलाती है, मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
राजनीतिक दल। प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? पहला है विकल्प जल, दूसरा विकल्प है पवन, तीसरा है विकल्प हिमनद, चौथा विकल्प है ये सभी। तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं जब तेज वर्षा होती है, भारी बारिश होती है, तो पर्वतों की मिट्टी बारिश के साथ, बारिश के पानी के साथ बहकर नीचे आने लगती है, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं। तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का मुख्य साधन यदि देखा जाए तो क्या है? जल है। क्या? जल, यानी बारिश का जल या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त हुआ जल। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो यहां पर विकल्प इस प्रकार से हैं, राजस्थान, दूसरा है बिहार, तीसरा है यहाँ पर झारखंड, चौथा विकल्प है गुजरात। तो दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? उत्तर हो जाएगा गुजरात राज्य में। और एक प्रश्न और बनता है, कपास की खेती, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा या मिट्टी उपयुक्त होती है? तो उत्तर हो जाएगा काली मृदा या मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। का से कपास आप याद रखिए और का से काली मिट्टी आप याद रखिए, यानी आप ट्रिक के माध्यम से इस प्रश्न को याद कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या यहाँ पर 13 है, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहला है विकल्प उद्योग, दूसरा विकल्प है निर्माण, तीसरा विकल्प है व्यापार, चौथा विकल्प है विनिर्माण। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहा जाता है? विनिर्माण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पहला है विकल्प ओडिशा, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, तीसरा है विकल्प असम, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रश्न संख्या 15 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से मैं आपको दो प्रश्न क्लियर करा दूंगा। चलिए पहला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, यानी प्रश्न संख्या 15 है, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? पहला है विकल्प दो प्रदेशों के मध्य, दूसरा है दो नगरों के मध्य, तीसरा है दो गांवों के मध्य, चौथा है दो देशों के मध्य। तो दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार कहते हैं। मान लीजिए आप लोग यहां पर ध्यान देंगे, भारत से कोई वस्तु चीन को बेची गई या चीन से कोई वस्तु भारत में खरीदी गई, तो इस तरह का इनके मध्य जो व्यापार हुआ, इस व्यापार को कहते हैं विदेशी व्यापार, जो कि होता है दो देशों के मध्य। और मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के व्यापार को और किस नाम से जाना जाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। कहीं कहीं प्रश्न आप देखोगे कि विदेशी व्यापार से क्या तात्पर्य है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इस तरह का भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और जब मान लीजिए उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश है, और गुजरात प्रदेश, आप लोग ध्यान देंगे, प्रदेश माने क्या होता है? प्रदेश का अर्थ है राज्य, या प्रांत का अर्थ क्या है? राज्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश से कोई वस्तु बेची गई और गुजरात में खरीद ली गई, या गुजरात से कोई वस्तु भारत में खरीद ली गई, तो इस तरह के व्यापार को कहते हैं आंतरिक व्यापार। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आंतरिक व्यापार कहा जाता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 16 है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं करता है? पहला है विकल्प उर्वरक, दूसरा विकल्प है यहाँ पर क्या? तंबाकू, तीसरा है चाय, चौथा है कॉफी। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाता है? विदेशी व्यापार कहलाता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 17 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है?
विकल्प इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेघालय, दूसरा विकल्प है राजस्थान, तीसरा विकल्प है बिहार, चौथा है हरियाणा। तो हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे अधिक है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 18 है, विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है? पहला है विकल्प स्वास्थ्य, दूसरा विकल्प साक्षरता दर, तीसरा विकल्प प्रति व्यक्ति आय, चौथा विकल्प ये सभी। यानी विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सभी। राइट आंसर क्या है? ये सभी है। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उपभोक्ता के अधिकारों में शामिल है क्या? क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, दूसरा है विकल्प प्रतिनिधित्व का अधिकार, तीसरा विकल्प है चुनने का अधिकार, चौथा है ये सभी। तो उपभोक्ता के अधिकारों में शामिल क्या है? क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार शामिल है, प्रतिनिधित्व का अधिकार शामिल है, चुनने का अधिकार शामिल है, और यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? ये सभी। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, विश्व व्यापार संगठन, आप लोग ध्यान दीजिएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? क्या 1 जनवरी 1985 को हुई या 1 जनवरी 1990 को? तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो और अपनी नोट्स भी जरूर बनाते रहो, क्योंकि अब परीक्षा आपके करीब आती जा रही है। मैं आपकी हिंदी, ग्रह विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, चित्रकला विषय की धुआंधार तैयारी करा रहा हूं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।